नमस्कार दोस्तों, किशोर टेक सपोर्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, दोस्तों आज हमारे पास एक ओनिडा सीआरटी टीवी रिपेयर में आया हुआ है, जो कि रेड लाइट तो सही है लेकिन स्टैंड बाई नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टैंड बाई तो हो रहा है लेकिन ये टी ऑपरेट नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी नॉलेजबल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये ओनिडा कंपनी की सीआरटी टीवी है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये रेड लाइट आ रही है और ये इसकी पीसीबी सर्किट्स है। दोस्तों आप देख सकते हो, और इसको हम स्टैंड बाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे स्टैंड बाई लाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रही है। मैं रिमोट से स्टैंड बाई किया लेकिन स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग बेसिक सप्लाई चेक करेंगे। फ्रेंड्स, सीआरटी का ज़माना तो नहीं है लेकिन फिर भी अभी तक कहीं कई जगह पे सीआरटी टीवी अवेलेबल है, तो हमारे पास रिपेयर होने को आए हैं। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे आके इसका मतलब स्टैंड बाई ये हो गया है। और फिर ये 8 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी कंप्लीट आ रहा है। और यहाँ पे 3.3 की सप्लाई रहती है मेमोरी के लिए, ये भी सही आ रहा है। और ये 5 वोल्ट की रेगुलेटर ऐसी है जो कि परफेक्टली 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ट्यूनर की जो SDL और SDA वोल्ट जो रहती है, वो हमको यहाँ पे कुछ मिस लग रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है दोनों पॉइंट पे। मैं इधर भी चेक करता हूँ तो ये सप्लाई भी हमको फ्लैक्चुएट लग रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो। तो स्टैंड बाई में से निकल जाए लेकिन हमारा EST ऑपरेट नहीं हो रहा है कोई भी हालत में। और मैं 250 की रेंज में रख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 110 की सप्लाई आ रही है लेकिन स्टैंड बाई नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये वोल्ट फ्लैक्चुएट क्यों हो रहा है, ट्यूनर ख़राब है या PF ख़राब है, मेमोरी ख़राब है, या तो फिर हमारी ये चिप साइसी ख़राब है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी जानने को मिलेगी। जो जानते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, नए टेक्नीशियन वह है, उसके पास अगर ऐसा टीवी आ जाए तो काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेगा, ये पक्की बात है फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने यहाँ पे ये SDL और SDA की दोनों ट्रैक हमने यहाँ से कट कर दिए है, आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने दोनों कट कर दिए। अभी हम लोग स्टैंड बाई करेंगे। दोस्तों, जब हमने लाइन कट किया तो ये आप देख सकते हो SDA सप्लाई, और यहाँ पे SDL, ये दोनों सप्लाई अभी फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, यानी कि अब हमको ये हमारा स्टैंड बाई हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इस ट्यूनर में जो जा रही है, अभी तो ट्यूनर की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अभी RF सिग्नल तो रहा नहीं, तो हमने इसलिए दोनों लाइन कट कर दी है जो कि ट्यूनर में जाती है, दोनों को हमने यहाँ से कट कर दिया है। तो जो हमारी ये यहाँ से इस नंबर यहाँ पे 3.3 सप्लाई रहती है जो कि कॉन्स्टेंटली है,
और जो यहाँ पे जो हमारी फ्लैक्चुएट हो रही थी डेटा सिग्नल वो भी अभी सही हो गई है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो अभी मैं स्टैंड बाय करूँगा। ये हमने स्टैंड बाय किया और मीटर को हमने 50 के रेंज में, पहले हम लोग वर्टिकल की सप्लाई चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्टिकल की सप्लाई आ गई है, ये माइनस सप्लाई है ये वाली, और ये प्लस सप्लाई है, यानी कि हमारा टीवी चालू कंप्लीट हो गया है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट ही टीवी चालू हो गया है फ्रेंड्स। फॉल्ट में तो कुछ नहीं है, लेकिन ढूंढना बहुत ही कठिन रहता है, क्योंकि इस फॉल्ट में कई लोग बहुत सारी ट्रैकें ओपन करते हैं, कुछ कुछ आईसी भी चेंज कर देते हैं, मेमोरी भी चेंज करते हैं, कहीं की टेक्नीशियन भाई तो ये चिप्स आईसी भी चेंज कर देते हैं, फिर भी हमारा ये टीवी ऑपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें ये सिर्फ ट्यूनर ख़राब है, इसमें ट्यूनर ख़राब है। पीएफ हमने चेक किया, पीएफ ख़राब नहीं है, लेकिन ये ट्यूनर ख़राब है, तो इसका डाटा सिग्नल को ये ड्रॉप कर रहा था, इसलिए हमने ये ट्रैक ओपन कर दिया और टीवी कंप्लीट ये चालू हो गया। आपके सामने वीडियो है फ्रेंड्स, लाइव वीडियो है, कोई एडिटिंग वीडियो इसमें नहीं है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो यही था वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू सो मच।